अजमेर की सब्जी मंडी में लंबे समय से सड़क टूटी फूटी होने के कारण टेम्पो चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज इसी बात को लेकर नाराजगी जताते हुए टेम्पो यूनियन के नेतृत्व में सभी टेम्पो चालकों ने सड़क पर अपने अपने टेम्पो खड़े कर आवागमन को बंद कर दिया। टेम्पो यूनियन के सागर मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि लंबे समय से सड़क खराब होने के कारण टेम्पो में आए दिन नुकसान हो जाता है। उन्होंने कहा कि उनकी जितनी कमाई है उससे दुगुना खर्च आए दिन लग जाता है। यूनियन के सदस्यों द्वारा आज अजमेर सब्जी मंडी व्यापारी एसोसिएशन के सचिव से बातचीत की गई। सचिव ने समस्या के समाधान के लिए 30 दिन का समय मांगा। इस पर टेम्पो यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि 30 दिन के अंदर अगर सड़क नहीं बनती है तो यूनियन द्वारा अनिश्चितकालीन टेम्पो आवागमन बंद कर दिया जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि भाई मंडी समिति रोड नहीं बना रखी है, रोड वास्तव में खंडित भी हो रही थी, तो अपन ने क्या प्रस्ताव गवर्नमेंट को भेज रखा था। मंडी समिति की आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर है क्योंकि मंडी शुल्क लगे है नहीं मंडी समिति पे, तो इस कारण से मंडी की आमदनी खत्म हो चुकी। जो कृषक शुल्क मिलता है वो राज्य सरकार कृषि विपणन बोर्ड के पास जाता है, मंडी के पास एक रुपये भी नहीं। हमने अभी लोन लेकर भी कोशिश करी थी कि भाई कैसे भी मंडी की रोड बन जाए, रोड खंडित हो रखी है, कुछ प्लेटफॉर्म पे भी प्रॉब्लम हो रखी है जो कई वर्षों से इसमें मरम्मत का काम नहीं हो पाया, लेकिन अब हमने लोन लेके या हमारे पास कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाओं से कुछ ये काम कराकर रोडों का तो बनाना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि रोड खंडित होती जा रही धीरे धीरे, गेट के पास की रोड तो ज़्यादा खंडित हो गई इनको, इसलिए टेम्पो वाले कई बार कह चुके थे मतलब अभी 10-20 दिन से, तो लेकिन इनको समझाया था कि भाई मंडी की आर्थिक स्थिति कमजोर है और जल्दी अति शीघ्र बना लिया जाएगा रोड का, और कुछ टेम्पो भार के भी आ गए थे इस कारण मंडी समिति के टेम्पो तो 150 ही हैं, इतने नहीं हैं, और किसानों का माल अंदर आ रहा जा रहा था, इसमें कोई दोराय नहीं थी, लेकिन कुछ टेम्पो वाले ये कह रहे थे कि भाई हमारी ये रोड बन जाए तो हमारे टेम्पो को नुकसान नहीं, तो अब हम एक अभियान चलाएंगे रोड बनाने का जल्दी ही, पैसा का या लोन से या जैसे भी मंडी की स्थिति होती है उस हिसाब से। सर कितने समय से रोड नहीं बन रही है? रोड इसकी ये रोड करीबन 4 साल से नहीं बन रही, हमने गवर्नमेंट को प्रस्ताव भी भेजते थे लेकिन मंडी की पास पैसा नहीं होने के कारण, क्योंकि मंडी समिति ऑटोनोमस बॉडी है, ये यहीं से आय होगी और यहीं पे खर्च होना था इसमें। आज मंडी वाले व्यापारी एसोसिएशन और ये टेम्पो यूनियन वालों की काफी लंबे समय से इनकी मूलभूत जो सुविधाएं जैसे रोड हो गई और प्लेटफॉर्म वो जर्जर अवस्था में है, और मंडी वालों के पास केवल एक ही बहाना है कि हमारे पास फंड नहीं है। फंड नहीं है, व्यापारी जो आड़ती आता है उनसे पैसे लेते हैं, ये व्यापार अपना करेंगे। लोडिंग टेम्पो वाले की ये कहना है कि हम 300 रुपये कमाते हैं और 600 रुपये का टेम्पो में नुकसान हो जाता है, हम टेम्पो की किस्त नहीं भर पा रहे, इतने परेशान है ये लोग कि इनका जीवन यापन करना बड़ी मुश्किल है। इन्होंने आज सुबह 6 बजे से 300 टेम्पो वालों ने लंबा एक रूट बना के व्यवस्था से किसी प्रकार की आमदनी हो, मंडी का व्यापार आवागमन बंद है, अभी जाके आवागमन चालू हुआ है, ना माल लोड हुआ है ना अनलोड हुआ है। अगर एक महीने के अंदर आज सेक्रेटरी साहब ने, अभी मैंने बात करी सेक्रेटरी साहब, 6 बजे से ये लोग कंटिन्यू मांग कर रहे थे, सेक्रेटरी साहब नहीं आए, अभी जाके सेक्रेटरी साहब आए, ये लोग सुबह से कंटिन्यू सेक्रेटरी साहब का इंतजार कर रहे थे, अभी आश्वासन दिया है सेक्रेटरी साहब ने कि 1 बजे ये इसकी रिपोर्ट जेईएम को करवा देंगे, और 30 दिन के अंदर यदि रोड नहीं मिला तो टेम्पो वाले सब मिलकर मंडी को अनिश्चितकालीन के लिए बंद करेंगे, जिसका जिम्मेदार मंडी प्रशासन से। रोड की समस्या और हमारे प्लेटफॉर्म की समस्या को लेके जो टेम्पो वालों ने हड़ताल करी है, 300 टेम्पो वालों की हड़ताल करी गई थी, ना माल आवक ना जावक, इस तरह से हमारे व्यापारी को बहुत परेशान हुई थी, पर ये टेम्पो वाले भी अपनी जगह पे सही है, इनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है डेली। हमारे सेक्रेटरी साहब को पहले भी हमने बोल रखा था, पर सेक्रेटरी साहब ने आज हमारे आश्वासन दिया है कि 1 महीने के अंदर अंदर काम चालू किया जाएगा। उसके बाद आपको आश्वासन के बाद टेम्पो का आना जाना शुरू कर दिया? अभी टेम्पो का आना जाना चालू हो चुका है, सेक्रेटरी साहब ने हमारे को ग्रीन सिग्नल दिया, उसके बाद ही टेम्पो वालों ने आवाज जावाज चालू करी। कितने साल से समस्या आ रही है? ये 5 साल से समस्या आ रही है, पर हमारे सेक्रेटरी साहब का कहना यही है, तरह की परेशानी आती है आपको? हमारे प्लेटफॉर्म के रोड से ज्यादा सबसे बड़ी समस्या प्लेटफॉर्म और रोड की है, और हमारे सेक्रेटरी साहब का ये कहना था कि हमारे बहुत टाइम तक फंड में पैसे नहीं थे, अब हम उनका आश्वासन यही है कि फंड में पैसे आ चुके हैं और 1 महीने के अंदर अंदर काम चालू किया जाएगा। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल पृथ्वीराज नगर ऑपोजिट पंचशील ए ब्लॉक अजमेर, जहां पढ़ाई के साथ साथ प्री प्राइमरी से ही स्टेज अपीयरेंस की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे उनका स्टेज फियर बहुत कम एज में ही दूर हो जाता है। एडमिशन ओपन फ्रॉम नर्सरी टू 10th, 9773-26213। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह, सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल पृथ्वीराज नगर ऑपोजिट ए ब्लॉक पंचशील अजमेर।